हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप मस्त होंगे। गाइस, मैं भी मस्त हूँ। तो गाइस, जो आज का ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं शिमला शिफ्ट हो गया हूँ, तो अब मैं अपने रूम को भी एक्सप्लोर करूँ आपके साथ कि किस प्रकार मैंने रूम को डेकोरेट किया है। बट नहीं कर पाया किसी कारणवश। मैं बहुत बिजी था कुछ काम से, कुछ पर्सनल काम से, कुछ ये घर के काम से भी। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि जब रूम मैंने लिया था शिमला में तो कैसे बिखरा पड़ा था सारा सामान। तो मैंने उसमें कहा था आपको कि अपने रूम को मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ अच्छे से, फिर आपके साथ एक ब्लॉग के साथ शेयर करूंगा। तो सो गाइस, अब ये जो ब्लॉग है स्पेशली आपके साथ ही इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँ जो जो मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। तो मैं आपको दिखाने आपको लेके चलता हूँ अपने रूम में, और आपको दिखाना हूँ किस प्रकार से पिंका ने इसको डेकोरेट किया है और किस प्रकार से ये सब चीजें लगी है। जैसे ही मैं पहले दिन कुछ काम से गया शिमला गया था, जैसे ही मैं रूम पहुंचा तो मैंने देखा यहाँ पर पर्दे, बेडशीट एंड जो पिल्लो कवर्स वगैरह है, सब चीज पिंका ने ब्लू कलेक्शन किया है एकदम। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा। गाइज, अगर आपको अच्छा लगता तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्लीज पिंका वेबशीट कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। मैं जैसे ही अंदर आया मैंने देखा, वाओ, मेरा एक बार ऐसे निकला वाओ। क्योंकि हम तो बॉयज बिल्कुल ऐसे रहते हैं, जब पहले रहते हैं रूम में, जब शिमला रहते तो कहीं सामान जा रहा है इधर, कहीं कुछ इधर, जूते इधर है, कुछ इधर है। अब जब मैं रूम आता तो हर चीज तरतीब से मिलती है, सिस्टम से मिलती लगी हुई है, एवरीथिंग, सब चीजों का, सब सामान की जगह ऐसे निर्धारित किए, ये जगह सामान यहाँ रहेगा, ये रहेगा, यहाँ रहेगा। आपको दिखाऊंगा मैं किचन में ले जाऊँगा, किचन में भी एवरीथिंग इज डेकोरेटेड वेरी नाइसली, बहुत ही प्यारा सा लगता है जब किचन में जाता हूँ। तो जो कलेक्शन है ये सोच सोच की बात है, किस प्रकार कलेक्शन है, एकदम ब्लू ब्लू सारा डब्बा वगैरह एवरीथिंग, जो आप डस्टबिन देखोगे चाहे कुछ भी देखोगे बिल्कुल ब्लू ला रखा है। फर्स्ट कलेक्शन इज वेरी वेरी नाइस। मैं जो पहला इंप्रेशन रहा मुझे यहाँ जब मैं रूम आया तो मुझे बहुत सुकून सा मिला, बहुत शांत सा रूम है, बहुत शांत सा और एकांत जगह में रूम है, कई क्राउडी जगह भी नहीं है। ढांडा हिमाचल शिमला की जो जगह है यहाँ रहने का, एकदम हमारा घर भी एकांत में है और अंदर जो चीजें हैं बहुत प्यारी प्यारी से डेकोरेट की गई। तो आप शेयर करो प्लीज, स्टे ट्यून्ड विद अमित गुप्ता। प्लीज वीडियो में बने रहिए और देखिए कितना एक्साइटिंग है आगे। और पिंका को मैं इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा आपके साथ, अभी भी वो बिल्कुल लगी हुई है डेकोरेट करने, छोटी छोटी चीजों को लेके, जैसे लड़की को ज्यादा उत्सुकता रहती है ये चीजें, हर चीज को अच्छे से इस्टेब्लिश करना। तो सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अमित गुप्ता। तो ले चलते ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए अपने कमरे को और एक्सप्लोर करते हैं कमरे का एक नज़ारा आप लोगों के साथ। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट से भर दीजिएगा इस ब्लॉग को। ये देखिए गाइस, मेरे घर के सामने से जो व्यू बनता है देखने को ढांडा का, ये आगे जो घनाहट वगैरह दिख रहा है, आज मौसम बहुत क्लियर है, बहुत साफ दिख रहा है। तो ले चलते हैं आपको अब अपने घर में और अपने रूम में। ये देखिए, दिस इज द एंट्रांस। ये देखिए जरा चेयर्स, बम्बूज के चेयर लाए स्पेशली पिंका ने, वाओ। तो गाइस कमेंट के माध्यम से जरूर बताया किस प्रकार के लग रहा है, वाओ। तो ये देखिए, हम बेड क्यों ले चलता हूँ, दिस इज द, ये बेड है जो पिंका ने इसको डेकोरेट किया है। कलेक्शन देख सकते हैं गाइस, कैसा ब्लू कलेक्शन आ रहा है एकदम सुंदर। और ये है पर्दे इसके साथ ही मैच करते हुए, ये देखिए ये पिंका का कलेक्शन है। एवरीथिंग, सब चीज़ पिंका ने खुद से डेकोरेट करने की कोशिश की है, खुद से लेने की कोशिश की है। और ये देखिए, अब आपको ले चलता हूँ किचन की ओर। तो अब चलते किचन की ओर। पिंका आइए, ये किचन है, ये एक लॉबी है यहाँ किचन से पहले पहले। इधर बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करनी है, हमें मंदिर मंदिर लगाना है। और ये है किचन हमारा, ये देखिए किचन जिस ब्लू की मैं बात कर रहा था, देखिए कैंट वाटर प्योरीफाई ब्लू, एवरीथिंग इज ब्लू ब्लू। और ये देखिए स्टोल ऑल्सो इज ब्लू। और अब मैं अंदर से खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस एवरीथिंग इज ब्लू। इन्होंने अपनी मर्जी से अपनी पसंद से सब चीज़ें ली हुई है ब्लू ब्लू करके। राशन के जो डब्बे आटा चावल को भी ब्लू ला रखे लड़की ने, डस्टबिन इज ऑल्सो ब्लू। क्या कलेक्शन है यार लड़की की, वाओ। ये देखिए मग्स ब्लू, बाथरूम का ये पानी पीने का वाटर है यहाँ का ब्लू। ये देखिए फुल व्यू ऑफ किचन का यहाँ से, छोटा
छोटा है बट डेकोरेटेड है, सिलेंडर बाहर ही है अभी, इसको अंदर नहीं डाला है क्योंकि इसमें छेद नहीं था, अभी छेद करवाना है जो पाइप एक। और लेके चलते हैं नेक्स्ट रूम में, एक छोटा सा और रूम है उसको भी डेकोरेटेड किया गया है। ये देखिए ये दूसरा रूम है, एक ये अलमीरा ली है गाइस। ये छोटी सी कलेक्शन है, मैं भी देख रहा हूँ शीशे में, ये अलमीरा है आप देख सकते हैं गाइस, ब्लू की जो कलेक्शन है ना, आप अलमीरा खोल के देखिए, ये देखिए ब्लू है हैंगर, ब्लू है टॉल, ब्लू है कपड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना आने वाले टाइम में मुझे ना ये ब्लू ही पहनाएगी लड़की, शर्ट भी पैंट भी, पैंट तो ऐसे भी अच्छी लगती है ब्लू, देख सकते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर भी ये देखिए ब्लू कर्टन, सुंदर सा ये बेड है दीवान एक, और यहाँ पर एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति भी स्टेब्लिश की गई है अपने घर में, जय हो शंभू, जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्णा। और यहीं पर इस रूम के साथ ही वॉशरूम है, ब्लू कलेक्शन फिर से आपको देखने मिल रही है। यहाँ पर मिरर है, आप तैयार हो सकते हैं यहाँ पे नहा धोके हैं, और ये साबुनदानी और सब ब्लू, एवरीथिंग इज परचेज ब्लू। देखिए गाइस जो कुशन जो चेयर्स बम्बूज के चेयर है कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये देख सकते हैं डोर मैट्स भी ऑल्सो ब्लू। तो ये बेड के साथ मैं एंड करना चाहता हूँ, और आपको बिग बॉस से दिखाता हूँ, इस घर के नए जो बॉस हैं उनसे मिलाता हूँ अभी आपको मैं, तो इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती अब नए बॉस से मैं मिलाता हूँ आपको। तो गाइज प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको मेरी डेकोरेशन कैसे लगी, ये ब्लू कलेक्शन कैसा लगा। एक छोटा सा रूम है लेकिन मैंने उसको बेस्ट देने की कोशिश की है, मैंने उसको बेस्ट से बेस्ट सजाने की कोशिश की है, क्योंकि हम लड़कियों में होता है ना कि हर चीज़ को अच्छे से डेकोरेट करना है, छोटी छोटी चीज़ें कहाँ रखनी है, प्रॉपर सारी चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। तो मैंने अमित को बोला था कि मैं ये पूरा जो भी हम टू रूम सेट लें या सिंगल रूम सेट लें, पहले तो हमारा सिंगल रूम सेट का बन रहा था कि हम सिंगल रूम सेट लेंगे, लेकिन बाद में हमने टू रूम सेट लिया, तो मैंने अमित को बोला था कि मैं उसको अपने तरीके से सजाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें, प्लीज मुझे अपने कलेक्शन खुद कलेक्ट करने दीजिएगा। तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसा लगा, मैंने अपने से तो 100% दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। और गाइज प्लीज़ प्लीज़ मेरे हस्बैंड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए। Keep supporting, keep love. Bye-bye.